भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के तीसरे दिन हल्की बारिश के कारण मैच देरी से शुरू हुआ। टेस्ट में तीसरे दिन भारतीय टीम ने अपना दम दिखाया। दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने 191 पर 7 के स्कोर से की और 235 रनों पर ऑल आउट हो गई। वहीं 15 रन की बढ़त के साथ भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे। KL राहुल और मुरली विजय ने भारत को 63 रन की शानदार शुरुआत दी, जो कि इस जोड़ी का विदेशी धरती पर सर्वोच्च प्रदर्शन है। मुरली विजय को 18 रन के स्कोर पर मिचेल स्टार्क ने पीटर हैंडस्कॉम के हाथों कैच कराकर भारत की ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा। वहीं KL राहुल 44 रन के स्कोर पर जोस हेजलवुड के शिकार बने। उन्हें विकेटकीपर टिम पेन ने कैच किया। भारत ने दिन का आखिरी और तीसरा विकेट कप्तान विराट कोहली के रूप में गवाया। वह 34 रन के स्कोर पर नाथन लायन की फिरकी में फंसकर एरॉन फिंच को कैच दे बैठे। जबकि खेल खत्म होने के वक्त पहली पारी के शतक वीर चेतेश्वर पुजारा 40 रन तो उपकप्तान रहाणे 1 रन बनाकर नाबाद रहे। तीसरे दिन टीम का स्कोर 61 ओवर में 3 विकेट खोकर 151 रन रहा। आपको बता दें कि चौथे दिन की पारी की शुरुआत पुजारा और रहाणे करेंगे।